Amazon.com. Patriot, powered by Amity University. दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा में आपका स्वागत है। अभी अभी मेरे ऊपर गए दो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, मेरे पीछे तीन पानी के जहाज और अब आने वाले हैं दो चेतक हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, यही वो यंत्र हैं जिससे कोस्ट गार्ड हमारी समुद्री रेखाओं की निगरानी करती है। आइए मेरे साथ देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी अभी हमें वॉश रूम से इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक मछुआरों की नाव का है जो साउथ गोवा में मजोड़ा कोलवा बीच के पास में डूब गई है। तीन मछुआरे हैं जो पानी में डूब गए हैं। तो अभी हम ये करेंगे कि 810 को जल्दी से जो SIR कॉन्फर्मेशन उसको रेडी करके आप लाइन पर डाल दीजिए। टाइम अभी 10:30 बजे है। हम भाई अगर 10 मिनट्स बिगे एवं आपको हमें पानी में उतारेंगे। आप जाके सर्वाइवर को दिलासा देना है कि वो सब सेफ हैं और हम उनका बचाव करेंगे। आपको एक एक करके सर्वाइवर को विंच ऑफ करके जहाज के अंदर भेजना होगा। यस सर। जैसे ही तीनों सर्वाइवर जहाज के अंदर आ जाएंगे, हम कोलवा की तरफ जाएंगे। कोलवा की तरफ ओपन लैंड देखते हुए हम वहाँ लैंड करेंगे बीच पे, और फिर जो टाटा साहब तब तक हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे ABC के थ्रू कि वेदर एम्बुलेंस वगैरह वहाँ है, तो वील शिफ्ट सर्वाइवर टू दैट। ठीक है, एनी अदर पॉइंट्स भेज दो। ठीक है, टाइम नाउ इज 11:30, वील शिफ्ट टू जाएगा 11:35। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, मैं इस वक्त 800 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन गोवा में हूं और हमारे साथ यहां पे हैं कमांडेंट अमित कोरगांवकर। आपका स्वागत है हमारी शो में। गुड मॉर्निंग। और इनको अभी आपने देखा कि इसके पहले हमें एक मिशन का ब्रीफ मिला था, इनको मिशन का ब्रीफ मिला था किस तरीके से एक फिशरमैन है, एक मछुआरा है जो कि फंस गया है, उसको बचाने के लिए जा रहे हैं। हम इनके साथ चलेंगे और हवा में जाएंगे, हेलीकॉप्टर में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कोस्ट गार्ड लोगों की जानें बचाता है। सो कमांडेंट कोरगांवकर, प्लीज टेल अस, ये जो आप काम करते हैं, पुरानी आपकी मशीन्स हैं, सब लोग जानते हैं, चेतक आपका हेलीकॉप्टर है, ऐसे कितने रेस्क्यू मिशन आप कर चुके हैं? सर, रेगुलरली जैसे अभी टूरिस्ट सीजन चल रहा है, रेगुलरली वी हैव ड्राउनिंग केसेस और मछुआरों का, फिशरमैन को डूबने का केसेस रहते हैं, तो ऑफ एन एंड वीक एक या दो केस आते हैं जहाँ पे वी हैव लोगों की जान बचाते रहते हैं। तो कमांडेंट कोरगांवकर, एक बात बताइए, ये जो आप अभी हम जा रहे हैं जान बचाने, किसी की आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, सर कितना फ्रीक्वेंटली, कितनी बार ऐसा होता है? सर, गोवा में हालांकि इन अ वीक एक या दो बार तो हमेशा का सीक्वेंस है सर, कोई ना कोई ड्राउनिंग केस रहता है या कोई फिशरमैन रहता है, बोट कैप्साइज का, तो वीक में दो बार तो कम से कम होता है। और आप लोग जाते हैं? यस सर, एयरबोर्न जाते हैं, हवा में जाते हैं, उनको बताते हैं, बचाते हैं सर। तो आज का क्या प्लान है? सर, आज का एक मछुआरों की बोट है सर, जो साउथ गोवा मजोड़ा के पास डूबी है सर, हमें इन्फॉर्मेशन आया ऑफ रूट से। तो कमांडेंट कोरगांवकर, नाउ यू आर गोइंग, आप निकल रहे हैं? हम चलेंगे मजोड़ा सर, क्या आप चलना चाहेंगे हमारे साथ? एब्सोल्युटली, थैंक यू, लेट्स गो, चलिए लेट्स गो, लेट्स गो। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठ चुके हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। ये एक चेतक हेलीकॉप्टर है, पायलट को पायलट यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं पीछे, हेडसेट, मे वेस्ट, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में जाने के लिए। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड जब कोई मछुआरा फंस जाता है, जब कोई टूरिस्ट फंस जाता है, जब कोई मासूम इंसान समुंदर की चपेटों में फंस जाता है, उसको किस तरीके से ये लोग बचाते हैं। आइए मेरे साथ, ये मेरा पहला अनुभव है, इसके पहले जब भी मैं हेलीकॉप्टर्स में बैठा हूँ कभी दरवाज़ा खुला नहीं था, ये बिल्कुल खुला दरवाज़ा है, देखिए हज़ारों फुट हवा में मैं जाऊँगा। और आइए मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ, वी आर रेडी टू गो।
दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं 800 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कमांडेंट कोरगांवकर भाई, हम उनसे बात करते हैं। अभी आपने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से एक डूबते आदमी को इन्होंने समंदर से निकाला, ये वही थे जो हेलीकॉप्टर चला रहे थे, अब ये शिप के ऊपर आ चुके हैं और अब हम इनसे बात करेंगे। कमांडेंट कोरगांवकर स्वागत है हमारी शो में आपका। आप ये जो आपने रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक डेमो था, ये कितनी बार हो जाता है लगभग? सर जैसे हफ्ते में एक दो बार तो ये होता रहता है, काफ़ी कॉल्स आती रहती है क्योंकि कोई ना कोई कोस्ट लाइन पर डूब जाता है, कभी मछुआरे डूबते हैं, कोई टूरिस्ट जो गोवा में आते हैं, कभी आफ्टर ड्रिंक्स दे गेट इनटू द वाटर और वो डूब जाते हैं, तभी हम उनको रेस्क्यू के लिए जाते रहते हैं। तो हफ्ते में एक से दो बार तो ये होता है। सर एक बात बताइए, आप इतना पुराना जहाज़ है, 1961 या 1962 में आया था आई रिमेंबर करेक्टली, और ये सर्विस दे रहा है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, तो कितना मुश्किल है जहाज को चलाना? सर जहाज तो वैसे थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है, रूडिमेंट्री ही है पर बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है, और बात मशीन की नहीं है, बात पायलट की है, जो जादू है वो पायलट में है और हमारे मेंटेनेंस टीम में है जो इसको अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि हमें जहाज हमेशा सर्विसेबल मिले और अवेलेबल फॉर ऑल द मिशन। जादू पायलट का है, जादू मेंटेनेंस का है, कोस्ट गार्ड का डिसिप्लिन का है, कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग का है। जी जी, जहाज तो आप कोई भी उड़ा देंगे, जहाज तो कोई भी उड़ा सकते, कोई भी उड़ा सकते हैं। वेरी वेल सेड जी। तो आपके साथ आपका कितना क्रू रहता है इसमें, जैसे कि आपका को पायलट भी होगा? पायलट होगा सर, आज मेरा को पायलट डब्ल्यूकॉन विश्वजीत है सर। फिर वी हैव अ विंच ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, जो बचाव कार्य में जो विंच को ऑपरेट करता है, और एक होता है फ्री डाइवर जिसको हम पानी में जो सर्वाइवर है उसकी सहायता करने के लिए पानी में उसको लोअर करते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस दे सर्वाइवर को और उसको स्टॉप करने में आसानी हो। क्वालिफाइड डाइवर होता है? वो क्वालिफाइड डाइवर, बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है, बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है सर। ये पहले डाइविंग का कोर्स करता है, उसके बाद एक एयर क्रू ड्राइवर का स्पेशलाइजेशन करता है फॉर फ्लाइंग ऑपरेशन। नेवी से होता है कोर्स? ये कोर्स नेवी में किया जाता है सर। कमांडर कोरगांवकर थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात करी, थैंक यू। दोस्तों इस वक्त मैं गोवा में हूं और अब मैं जा रहा हूं इस शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सामर्थ पे। सामर्थ एक जहाज़ है जो कि अब समुंदर की ओर जाएगा और हम आपको ये दिखाएंगे किस तरीके से सामर्थ पेट्रोलिंग करता है, किस तरीके से लोगों की जान बचाता है, हेलीकॉप्टर से भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से डूबते हुए इंसान की जान बचाता है, और 10 किस्म की और जो कार्रवाई है जो इस शिप करता है, लोग कौन हैं, ऑफिसर्स कौन हैं जो इस शिप को चलाते हैं। आइए मेरे साथ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सामर्थ पे। थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सामर्थ पे हम लोग हैं यहाँ पे, और ये जो गन है इसको 40-60 बोलते हैं, 40 mm इसका कैलिबर है, और इसके बारे में, गन के बारे में हम आपको इसकी फायरिंग भी दिखाएंगे और इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये जो है यहाँ पे साइट्स दिखा रखी हैं, आयरन साइट्स हैं, ये टिपिकली एंटी एयरक्राफ्ट रोल में यूज़ करी जाती हैं, पुराने टाइम पे हम लोग भी करते थे, और इससे अगर कोई हवाई हमला हो रहा है शिप पे या कोई और हवाई जहाज़ आ रहा है तो उसको एंगेज करने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में ये वेपन काम आता है। हम आपको इसकी फायरिंग दिखाने वाले, इसके पहले नाविक हैं हमारे साथ, इनका नाम अंकित है, अंकित से बात करते हैं और ज़रा जानते हैं इस वेपन के बारे में और अंकित के बारे में थोड़ा सा। अंकित, जब पहली बार आपने गन फायर करा सर, कैसा लगा? सर पहली बार तो मैं नया नया था, तो थोड़ी दिक्कत हो गई ना, थोड़ी दिक्कत हो गई सर। उसके बाद जब कंटिन्यू जब मैं फायर करने लगा उसके बाद समझ में आया गन के बारे में, उसके बारे में अभी थोड़ा एक्सपर्ट हो गया सर। तो अब आप कॉन्फिडेंट हो? यस सर। अगर कोई दुश्मन का हवाई जहाज आएगा, कोई भी टारगेट, यस सर, हवाई जहाज ही क्यों, कोई भी टारगेट हो, आप उसको एंगेज करने कर सकते हैं आराम से? यस सर, आराम से कर सकते हैं अभी। अच्छा, तो कितना टाइम लग गया आपको सीखते सीखते? आपने बोला कि 8 महीने से आप कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सपर्टीज हासिल करने में पहले दिन से और एक्सपर्टीज हासिल करने में कितना टाइम बीत गया, कितने टाइम में आप? सर 3 महीने में हो गया सर। 3 महीने में हो गया? यस। अच्छा, तो ये आपका पूरा क्रू है, ये सब आप लोग एक साथ काम करेंगे? यस सर। और फायर आप करोगे? यस सर। हम एक फायरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं? यस सर। थैंक यू वेरी मच अंकित, और हमारी शो में भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमें जरा फायरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन, दोस्तों अंकित एंड हिज एंटायर टीम इज गोइंग टू शो अस, ये हमें दिखाने वाले हैं किस तरीके से 40-60 गन फायर करती है। ये गन एंटी एयरक्राफ्ट रोल में भी फायर करती है और जो टारगेट्स हैं सामने डायरेक्ट फायरिंग रोल में भी करती है, तो ये हमें करके दिखाएंगे फायर। आप भी देखिए किस तरीके से गन
फायर करती है और दुश्मन को एंगेज करती है। आपने देखा अभी कि चेतक जहाज जो है वो आया था, फिर हमारे डेक से इसको लेके फिर फ्लाई किया दोबारा। DC-3 बकेट जो है इसका टोटल कैपेसिटी जो है वो 910 लीटर का है। इसका पूरा वेट जो है वो अराउंड 150 केजीज का होता है। इसके साथ में ये स्प्रे पॉड्स लगे रहते हैं। इसके अंदर जो है ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट हम लोग भरते हैं। उसके बाद चेतक एयरबोर्न होता है। एयरबोर्न होने के बाद चेतक जो है जहाँ पर भी ऑयल स्पिल हुआ हुआ है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी एरिया में, वहाँ पे उसके ऊपर होवर करके 14 नॉट के स्पीड से स्लोली मूव करता है और ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट जो है वहाँ पे स्प्रे करते जाता है। इस तरह से जो है हमारा एविएशन यूनिट भी ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स रिएक्शन में, चूँकि कोस्ट गार्ड का एक मेन चार्टर ऑफ ड्यूटी है फाइटिंग पॉल्यूशन एट सी, तो जस्ट एज अ पॉल्यूशन रिस्पॉन्स ये हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो एविएशन यूनिट्स हैं वो भी पॉल्यूशन रिस्पॉन्स केपेबल इक्वली हैं जितना कि हमारे समुद्री जहाज हैं। दोस्तों, कोस्ट गार्ड की कई ड्यूटीज़ हैं, उसमें से एक बड़ी अहम ड्यूटी है कि आइलैंड्स जो हैं, टापू हैं, उनकी सुरक्षा। तो आइए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं समुद्री रास्ते से टापू पर और वहां पे आपको दिखाएंगे कि कोस्ट गार्ड किस तरीके से हमारे देश के टापुओं की सुरक्षा करती है। आइए मैं दोस्तों, भी आपने देखा किस तरीके से हम शिप पे बैठ कर आए, फिर मोटर बोट के थ्रू हम इस आइलैंड पे आए, इस टापू पे आए। अब इस टापू में हम दिखाएंगे कि कोस्ट गार्ड किस तरीके से आइलैंड यानी किसी टापू की सिक्योरिटी कैसे करती है। और ये सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी असामाजिक तत्व या फिर एंटी नेशनल्स जो हैं किसी प्रकार का अटैक करना चाहें हमारे ऊपर, तो वो ऐसे सुनसान आइलैंड्स पे, ऐसे सुनसान टापुओं पे अपना डेरा बना लेते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मेनलैंड की तरफ जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी कि कोस्ट गार्ड इन पे एक नज़र रखे, और कोस्ट गार्ड किस तरीके से नज़र रखता है आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आज दो ऑफिसर्स हैं, आपने इनको देखा किस तरीके से ये लोग एक पेट्रोलिंग पार्टी ले गए थे जिसमें कोस्टल पुलिस भी थी, लोकल कोस्ट गार्ड के एलिमेंट्स थे, नेवी के एलिमेंट्स थे। इन लोगों ने एक रूट लिया और ये देखा कि ये आइलैंड में जहाँ पे हम लोग हैं, स्टापू में, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ये ड्रिल क्यों करी जाती है, कोस्ट गार्ड ये ड्रिल क्यों करती है, आइए हम उनसे बात करते हैं और भी बातें इनसे करेंगे। हमारे साथ हैं डिप्टी कमांडेंट साधना सिंह, हमारे शो में आपका स्वागत है, और डिप्टी कमांडेंट तनुश्री भारद्वाज, आपका स्वागत है हमारे शो में। मैं आपसे शुरू करता हूं, साधना, ये आप जो पेट्रोलिंग करते हैं यहाँ पे, ये कितनी फ्रीक्वेंटली होती है, किस वक्फे में होती है? सर, ये जो हम पेट्रोलिंग करते हैं ये हमें रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के द्वारा हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जी। और ये जो पेट्रोलिंग होती है, ये जितने भी अनइनहैबिटेड आइलैंड है जहाँ पे लोग नहीं पाए जाते हैं, ये उन आइलैंड्स पे की जाती है। अच्छा, तो जिसमें लोग नहीं है, जिस आइलैंड्स पे लोग नहीं है,
तो आप बताइए तनुश्री, जिस पे लोग हैं फिर उनको खतरा नहीं समझा जाता, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं, कोई ऐसी वैसी बात होगी तो इन्फॉर्मेशन जनरली इट इज कम्युनिकेटेड सेम टाइम, बट जो अनइनहैबिटेड आइलैंड्स होते हैं उनसे कम्युनिकेशन पहुँचाने के लिए कोई जरिया नहीं होता, तो हमें पर्सनली जाके महीने में चेक करना होता है कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ अलग से अनवांटेड एक्टिविटीज वहाँ नहीं हो रही है, फॉर दैट वी कम एंड चेक द आइलैंड्स। कभी ऐसा मौका आया जब आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई शकिया काम हो रहा है या कुछ ऐसी चीज है जो कि एंटी नेशनल हो या स्मगलिंग हो रही हो, कभी ऐसा मौका आया? जी हाँ सर, लास्ट मंथ जब हम पेट्रोलिंग कर रहे थे इन आइलैंड्स की, वहाँ पे हमने देखा कि अनवांटेड फिशिंग एक्टिविटी हो रही है जो कि अलाउड नहीं है उन आइलैंड्स पे, तो वो हमने एक्टिविटी जाके रिपोर्ट की अपने हेडक्वार्टर्स एज वेल एज दी फिशरीज को, एंड नाउ दोज एक्टिविटीज हैज बीन स्टॉप्ड। कोई फिक्स टाइम है जिसमें आप लोगों की पेट्रोलिंग जाती है कि कभी भी बोल देते हैं चलो? सर कोई फिक्स टाइम नहीं है, हमें कभी भी बोल दिया जाता है कि ऐसे कहीं पर सस्पिशियस एक्टिविटी पाई गई है और आप उस आइलैंड पे जाके पेट्रोलिंग कीजिए। जी। तो जैसे ही हमें इसकी सूचना मिलती है हम कोस्टल पुलिस और भारतीय नौसेना को हम संपर्क करते हैं और उनके साथ हम उस आइलैंड पे पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। सर ये जितने भी आइलैंड्स हैं जिनको हम अनइनहैबिटेड आइलैंड्स बोल रहे हैं, इनको एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की तरह यूज किया जा सकता है, बिकॉज ये हमारे कोस्ट लाइन से 5 नॉटिकल माइल के अंदर रहते हैं सर। जी, यानी कि गोवा ही है? गोवा एकदम पास में होगा सर, तो उनके लिए यहाँ से अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा, तो इसीलिए इन आइलैंड्स की सुरक्षा भारतीय तटरक्षक को दी गई है सर। तो तटरक्षक का जो दल है वो चौकन्ना रहता है हर समय, पेट्रोलिंग दायमें भी चलती रहती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महीने में दो बार आना है, वो जो नाव आपकी चल रही हैं और बाकी भी आपके जो शिप्स हैं ओवरक्राफ्ट हैं वो भी बायनोक्युलर्स के थ्रू दूर से नजर रखते होंगे जी सर कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? जी सर। और कभी कभी ऐसा भी हो कि अगर उनको ऐसा खबर मिलती है, इंटेलिजेंस मिलता है, तो अलग से भी ऑपरेशन लॉन्च हो सकते हैं? यस सर, अलग से ऑपरेशन लॉन्च होते हैं और जितनी भी हमारी चार्ली बोट्स और यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बोट होती है वो सब रैंडम पेट्रोलिंग पे रहती है सर। तो अब हम चलते हैं और थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं कोस्ट गार्ड के फायरिंग कैसे करते हैं। तो कौन कौन से वेपन से फायरिंग करेंगे? अमोक कार्बाइन, अमोक कार्बाइन और पिस्टल्स, पिस्टल्स तो आप लोगों के पास हैं? जी हाँ सर। और अमोक से आप दोनों फायर करेंगे और हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे कि कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स किस तरीके से फायरिंग करते हैं। दोस्तों जाइएगा नहीं, दो दो डिप्टी कमांडेंट हैं, 2012 से इंडियन कोस्ट गार्ड में सेवा कर रहे हैं और आज ये आपको बताएंगे कि फायरिंग किस तरीके से होती है और हथियार का इस्तेमाल ये लोग किस तरीके से करते हैं। आइए हमारे साथ और देखिए इनके निशाने का करिश्मा। दोस्तों इस वक्त मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर दिल्ली में हूं और मेरे साथ हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल मूर्ति, आइए उनसे बात करते हैं। ये सीनियर अधिकारी हैं कोस्ट गार्ड के और ये हमें कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कभी ना आपने सुनी है ना मैंने इसके बारे में तसव्वुर कराया ना मैंने इसके बारे में सोचा। ये यूनिक बातें हैं, ये कुछ अलग बातें हैं। आइए इस सफर में एडीजी मूर्ति साहब हमारे साथ। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गौरव जी। जी सर, कोस्ट गार्ड का जन्म क्यों होना जरूरी था, ऐसा क्यों लगा सरकार को कि कोस्ट गार्ड जैसा एक डिपार्टमेंट भारत को चाहिए? जब भी 1970s का दौरान जी जब ये स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होता था जी समुंदर में, वो उस तरफ की समुंदर में वो निगरानी करने के लिए कोस्ट गार्ड तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत समझे लोग। पहले ये काम इंडियन नेवी करते थे। इंडियन नेवी का सभी सोफिस्टिकेटेड शिप्स है ऐसा वाला पीस टाइम रोल्स के लिए जो यूज़ करना उचित नहीं समझा और समुद्र में लॉ एनफोर्समेंट, मैरिटाइम लॉ एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, पोल्यूशन रिस्पॉन्स, इस तरफ की पीस टाइम रोल्स के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ऐसे गवर्नमेंट समझे, तभी एक कोस्ट गार्ड को सेटअप किया 1978 में। तो 1978 में कोस्ट गार्ड ने जन्म लिया सर और आज तक अब इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट एक आम हो चुका है इंडिया का जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सर ये इसकी ज़रूरत, लोग काफ़ी कहते हैं कि हमारी जो मैरिटाइम बॉर्डर्स हैं वो बहुत बड़े हैं सर,
कितना कॉम्प्लेक्स है मैरिटाइम बॉर्डर, कितना बड़ा है? आप सही कहा, आप जानते हैं हमारा समुद्र तट जी, अभी कोस्ट लाइन कहते हैं जी, वो 7500 किलोमीटर के ऊपर है। अच्छा सर। और आप सुना होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईजी बोलते हैं हमें, समुद्र तट से 200 माइल्स तक जो पानी है वो उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो वो पानी उस देश की है। अभी कोई दो देश का बीच में अंतर 400 नॉटिकल माइल से कम होगा तो उसको डिवीजन कितना होगा, 50-50 होगा। अभी 400 के ऊपर होगा तभी हमें 200 हमारा होगा, तो दूसरा कंट्री का 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। सो बीच का लैंड, बीच का पानी है, हाई वाटर्स किसी भी यूज़ कर सकते। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसलिए कहते हैं, जो पानी का जो रिसोर्सेस है पूरा हमारा है। तभी आप हमारे हिंदुस्तान का कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सो मछली है, ऑयल रिसोर्सेस है, मैंगनीज, जो कोई भी सी बेड का नूडल्स कुछ भी हो, सभी हमारा संपदा है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। कई लोग ये कहते हैं, मैंने कोस्ट गार्ड के ऑफिसर से बात करी सर, कई लोगों का ये मानना है कि 26/11 के बाद, दे से दैट कोस्ट गार्ड चेंज फॉर एवर, इट वॉज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, 26/11 के बाद कोस्ट गार्ड का जो डायरेक्शन था, मिशन था, साइज था और कैपेबिलिटी थी, सब कुछ बदल गई 26/11 के बाद, ये सच है? आप एकदम सही साहब, ये ग्रेट टर्निंग पॉइंट फॉर द कोस्ट गार्ड जी। 26/11 का पहले हमारा कोस्ट गार्ड का स्ट्रेंथ, बात की स्ट्रेंथ अभी हम कंपेयर करेगा तो अभी स्टेशंस हो जी, और ये शिप्स हो जी, एंड इक्विपमेंट, हर चीज डबल हो गया हमारा जी, डबल, नियरली डबल। अभी द फास्टेस्ट ग्रोइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो इंडिया में जी, वो इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो कोस्ट गार्ड है। लेकिन जब भी ये ग्रोथ तो हुआ उसका साथ साथ भी जिम्मेदारी बढ़ा। आप जानते होंगे 26/11 के बाद एक क्लियर कट डायरेक्शन दिया गया हमको, तभी इंडियन नेवी को पूरा मैरिटाइम सिक्योरिटी का जिम्मेदारी देते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड को कोस्टल सिक्योरिटी का जिम्मेदारी दिया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमसे बात करी। थैंक यू गौरव साहब, प्लेजर मीटिंग यू एंड सच एन ऑनर टू शेक योर हैंड सर, थैंक यू वेरी मच। PolicyBazaar.com, Patriot, powered by Amity University.